बच्चों को दिमाग कैसे कंसंट्रेट हो, एकाग्र हो, और जिस आप चैप्टर को या जिस चीज़ को आप याद करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो आपका जब दिमाग का गोबर निकलेगा तभी तो अटेक बढ़िया चीज़। तो दिमाग में गोबर है, कचरा है, गाली गलौज है, तो अटेक बढ़िया चीज़। जैसे एक कोई बर्तन में गोबर रख दीजिए, थूक दीजिए, आप किसी से रसगुल्ला मांगिए, रसगुल्ला दे दिया, तो रसगुल्ला खाने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। कहने का मतलब कि यदि गंदगी में बढ़िया चीज भी डाल देंगे तो बढ़िया चीज भी गंदा हो गया, प्रयोग करने लायक नहीं रहा। यदि आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के दिमाग में यदि गोबर है, कचरा है, कूड़ा करकट है, तो कितनों ज्ञान देंगे, ज्ञान रूपी रसगुल्ला खिलाएंगे, तो ये ज्ञान रूपी रसगुल्ला काम लायक रहेगा कि वो भी खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो आइए अपने दिमाग के गोबर को कैसे निकालेंगे उस दिशा में आपको ले चलते हैं। दोनों हाथ उठा लीजिए, दोनों अंगूठा को कान के ढक्कन पर रखिए, कान बंद कर लीजिए, ऐसे करिए, तजनी ललाट पर जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, तीनों उंगली को मोड़ के आँख पर रखिए और मुंह बंद करिए और 3 बार भौंरा जैसा गुंजन करिए, सांस भर लीजिए पूरा। हाथ नीचे करिए और धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए। ये भ्रामरी प्राणायाम है, ऐसा करने से मन ठीक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, इसलिए रोज करना है 10 से 11 बार।